आने वाले आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को आमने सामने होंगे दो नए राइवल्स ऑफ बॉलीवुड, आमिर खान एंड ऋतिक रोशन। यस, सरप्राइजिंगली इन दोनों की बड़ी फिल्में 15 अगस्त 2016 को रिलीज होने वाली हैं। आमिर खान लेकर आ रहे हैं दंगल, विच इज अ स्टोरी ऑफ अ रेसलर। बड़ी उम्मीद की जा रही है इस फिल्म से और आमिर के लिए रोल भी बहुत खास है। वहीं आमिर के सामने है ऋतिक रोशन जो लेकर आ रहे हैं मोहनजोदड़ो। काफी वक्त से वो इस पीरियड फिल्म पर काम कर रहे हैं और ऋतिक रोशन और आशुतोष गोवारिकर का ये प्रोजेक्ट काफी एक्साइटमेंट क्रिएट कर चुका है ऋतिक रोशन फैंस में। सो इंडिपेंडेंस डे के लिए ये कहा जा रहा है कि आमिर खान को अपनी फिल्में क्रिसमस पर ही रिलीज करनी चाहिए, जो डेट वो पिछले कई फिल्मों से यूज कर रहे हैं। बट इंडिपेंडेंस डे पर आने का ख्याल शायद इसलिए है क्योंकि दंगल कहानी एक रेसलर की है एंड इट हैज अ पेट्रियोटिक टच। देयर इज नथिंग ऑफिशियल राइट नाउ, हो सकता है कि डेट चेंज हो जाए, पर अभी के लिए तो दंगल होने वाला है आमिर की दंगल और ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो के बीच।